प्रारब्ध की बात छोड़ दे तो भी परमेश्वर द्वारा कुछ वस्तुओं में धन प्राप्ति के गुणधर्म निर्मित किए गए हैं और यह बात निर्विवाद भी है। इसलिए घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए कुछ खास साधनाएं बताई गई है। इसलिए जन्म कुंडली का उपयोग करके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। वैदिक साधना आध्यात्मिक एवं ज्योतिष केंद्र जूनागढ़ में प्रदीप मेहता की ओर से आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम खगोलीय महान घटना से होने वाले परिवर्तन से मकर राशि के जीवन में क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 2023 ब्रह्मांड के आदिदेव सूर्य देव अपने पुत्र की यानी कि शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही उनका आपकी मकर राशि में प्रवेश होगा तो आपके जीवन में बड़े बदलाव के साथ देश दुनिया में भी कई सारे बड़े परिवर्तन होंगे। दोस्तों, पिछली बार जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में चमत्कारी रहस्यमयी घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। और आप देख भी सकते हैं उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमयी चीजें हो रही है वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सरकार जनता के हित में कई बड़े निर्णय लेगी जिसके कारण जनता की स्थिति सुधरेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और फिर चढ़ाव के दरमियान शराब, मेटल, इंफ्रा, ऊर्जा समेत कई नए सेक्टर में शेयर चुपके से आसमान छू लेंगे। हालांकि उद्योग जगत अपने नए फैसलों से कर्मचारियों को चौंका सकता है। यह स्थिति बौद्धिक कार्यों में विघ्न, प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह, आंदोलन के साथ राजनीतिक, व्यापारिक व सामाजिक असंतोष एवं मानसिक विकारों को भी जन्म देगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ेगा। तो आइए जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन से मकर संक्रांति के फल स्वरूप आपको क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। मकर राशि वालों, सूर्य का परिवर्तन आपके लिए आपके स्वयं के देह भाव में हो रहा है और देह भाव में परिवर्तन जातकों को शारीरिक सुख के साथ भौतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सुख समृद्धि में हमेशा वृद्धि ही करता है। इसका एक और भी कारण है क्योंकि जब सूर्य आपके देह भाव में होते हैं और शनि शुक्र की युति होती है तो वाकई में अद्भुत और अलौकिक लाभ प्राप्त करवाते हैं, जिसके कारण इस महीने आपको 5 लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिसमें प्रथम लाभ, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम के स्वरूप में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील है, बड़े एग्जाम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी संस्था में एडमिशन चाहते हैं तो सूर्य आपके लिए अपने खजाने लुटा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ उन साहसिक व्यापारियों को मिलेगा जो कर्ज के लिए या फिर आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है, लोन ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, धन की लालसा सभी को होती है। यदि आपको भी आर्थिक संकट ने ग्रस्त कर रखा है तो यकीनन आपको अब कर्ज से मुक्ति मिलेगी क्योंकि मकर संक्रांति के फल स्वरूप 14 जनवरी से ही आर्थिक स्थिति में संतोषजनक परिवर्तन प्राप्त होगा। आप स्वयं देख सकेंगे कि व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, पुराने जो संपर्क थे वह सामने से आपके पास आएंगे। यहां तक आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बड़ा व्यापार करने की ओर भी आगे बढ़ सकते हो, जहां से लाभ में रहेंगे। यही सारी संभावनाएं धन को लेकर मालामाल करेगी। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर धन की बारिश होगी, धन मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, यह समय चेंज और परिवर्तन लेकर आएगा। तीसरा लाभ अचल संपत्ति और आश्चर्यजनक धन लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता है। मकर राशि का सूर्य इस वक्त गुप्त एवं आकस्मिक तरीके से भी धन लाभ दे सकता है। चाहे आपको शेयर बाजार या लॉटरी से पैसा मिल जाए या फिर आपने जिस जगह पर जमीन खरीद के रखी थी, प्रॉपर्टी या फिर अचल संपत्ति में पैसा लगा कर रखा था उसके दाम अब दोगुना मिल जाए या फिर कंपनी में
आपके कार्य के फलस्वरूप आपको प्रमोशन दिया जाए, वेतन में वृद्धि की जाए, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स वकालत से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग बीमा क्षेत्र के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वह अब लेकर ले सकते हैं कि आपकी दिन दुनी और रात चौगुनी होने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच आप किसी बड़े लाभ के लिए चुने गए हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। चौथी खुशखबरी, घर परिवार में शांति खुशहाली के रूप में आपको मिलेगी। जिनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, उसके बीच में उचित समाधान निकलेगा। जिनका प्रियतम घर छोड़कर चला गया है, तो वह वापस आने की संभावनाएं है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसका निपटारा होगा। इस वक्त आपके अधिकार भी आपको मिल सकते हैं। खासतौर पर आपके छोटे भाई या छोटी बहन कोई भी नौकरी या फिर उनको भी कोई बड़ी नौकरी या लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। पांचवी और आखिरी खुशखबरी दो व्यक्तियों को मिलेगी। एक तो जो प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक कुंवारे हैं, उन्हें प्राप्त होगी, तो दूसरी उन नौजवानों को मिलेगी जो प्रेम और जीवन का लुत्फ उठाने के लिए अच्छा समय वक्त की तलाश में है और अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, उन्हें भाग्य का सहयोग मिल सकता है, क्योंकि सूर्य के ही प्रभाव से आपको प्रपोज करने का मौका मिलेगा, या सामने से आपका दोस्त भी प्रेम का प्रस्ताव दे सकता है। खासतौर पर विवाह के लिए भी एक खूबसूरत प्रस्ताव मिलेगा। फिर भी इस 30 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर बचेत सचेत रहना होगा। कोई नई कंपनी शुरू करने या नया कार्य शुरू करने से पहले भी कुंडली का विश्लेषण करवाना रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।